शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। गुरुवार को दोपहर से बारिश के बाद रात में आसमान में धुंध स्मॉग छा गई। शुक्रवार की भोर से आसमान में काले बादलों का जमावड़ा लगा रहा। इसके बाद झमाझम बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन मौसम सुहाना हो गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचा है। इसके प्रभाव की वजह से पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का सिस्टम बन गया है, जो मध्य प्रदेश होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आ पहुंचा। गुरुवार की रात गोरखपुर के आसमान पर अचानक स्मॉग छा गया। हर तरफ धुंध देख शहर के लोग, गांव तक लोग हैरान हो गए। मौसम के बदलते मिजाज से बेखबर लोग घबराकर एक दूसरे से इस बारे में पूछने लगे। इस धुंध में धुएं का असर भी था, आंखों में जलन हो रही थी। धुंध का घनत्व इतना अधिक था कि 500 मीटर ही विजिबिलिटी रह गई। आमतौर पर मई की शुरुआत में ऐसा मौसम नहीं रहता। मौसम में इस बदलाव से लोग चिंतित हो गए। लॉकडाउन के उपरांत शुरू से ही पीएम 2.5 60 से 65 के मध्य पाया गया था। गुरुवार को पीएम 2.5 103 के आसपास हो गया, परंतु वर्षा होने के कारण रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षिक आर्द्रता काफी बढ़ गई। ऊपर घने बादल होने एवं जनपद के निचले वातावरण में अधिक धूल होने के कारण यह गले में लग रहा था। शुक्रवार को झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, कर से वर्षा हो रही, सभी तहसीलों को कह दिया गया। यद्यपि फसल पूरी तरह से लगभग कट गई है और अब गेहूं खरीद का ही समय चल रहा है। हमारी सभी जो क्रय एजेंसियां हैं उनके पास पर्याप्त जगह है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो क्रय किया हुआ मटेरियल है उसको वो सुरक्षित स्थान पर रखें, और यदि किसी की फसल किसी प्रकार की किसी फसल क्षति की बात है तो तहसील से उसकी रिपोर्ट आएगी और उनको फसल क्षति का मुआवजा दिया जाएगा। मौसम का पूर्वानुमान तो आता है, हमारा यहाँ जो डिपार्टमेंट है पूर्वानुमान भेजता भी है, सभी मीडिया बंधुओं तक वो पहुँचता भी है। और जैसा कि अभी इस समय भी आप देख रहे हैं हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है,